हेलो फ्रेंड्स, कुलेश किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पालक मसाला पूरी बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप गेहूं का आटा, ये हमने लिया है 300 ग्राम पालक। इसे अच्छे से हमने 2 बार धो लिया है। इसे हम हल्का सा गर्म पानी में उबाल लेंगे 1 से 2 मिनट, और उसके बाद इसे हम पीस के प्यूरी बना लेंगे। ये हमने लिया है बारीक कटी हुई हरी मिर्च 3, अदरक लिया है इस साइज़ का कद्दूकस करके, लहसुन को भी हमने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो तीनों का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम डाल रहे हैं 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, सफ़ेद तिल लिया है 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर लिया हमने 1/2 चम्मच, अजवाइन लिया है 1/2 चम्मच, नमक लेंगे टेस्ट के अनुसार, और आटे में हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। तो आइए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही स्वादिष्ट पालक मसाला पूरी। सबसे पहले हम सभी चीज़ों को मिला लेंगे, नमक, अजवाइन, जीरा पाउडर, सफ़ेद तिल, हल्दी, धनिया पाउडर, और इसे अच्छे से पहले सूखे में मिला लेंगे। साथ ही एक बर्तन पे गर्म पानी हमने चढ़ा लिया है, इसमें हम पालक डाल देंगे और इसे बस हमें 1 से 2 मिनट अच्छे से उबाल आते तक पका लेना है। अगर आप चाहें तो पालक को बिना उबाले ही हम चाहे तो पीस की प्यूरी बना सकते हैं, पर अगर इस तरीके से हम इसे 1 से 2 मिनट उबाल लेते हैं तो इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाता है। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। इसमें हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च भी डाल देंगे। इसे हमने अच्छे से मिला लिया है। पालक को 2 मिनट हो चुका है, अब इसे हम पानी से निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम इसकी प्यूरी बना लेंगे। पालक ठंडा हो चुका है, इसे हम मिक्सी के जार में डाल लेंगे और प्यूरी बना लेंगे। थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल लेंगे। पालक हमने बारीक पीस लिया है, अब इसे हम आटे में डाल लेंगे और इसका हम जैसे रोटी के लिए आटा लगाते हैं ऐसे ही हम आटा लगा लेंगे मिलाते हुए। थोड़ा ये स्टिकी हो जाता है, हाथ में हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और अच्छे से इसे हमें सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। डो हमारा तैयार हो चुका है, इसे हम ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसकी पूरियां बनाएंगे। आटा अच्छे से सेट हो चुका है, अब इसकी हम पूरियां बनाएंगे। तो इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे पहले इस साइज की, और एक लोई लेंगे, चकले पे हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और इसे पूरी बेल लेंगे। साथ ही हम कढ़ाई चढ़ा लेंगे पूड़ियों को तलने के लिए। मीडियम फ्लेम पे रखेंगे अभी इसे हम। साइज आप पूड़ियों की छोटी बड़ी बना सकते हैं। इस तरीके से बना के हम सारी पूड़ियाँ रेडी कर लेंगे पहले। पूड़ियाँ हमने बेल के तैयार कर ली है। तेल भी चेक कर लेंगे छोटा सा ड्रॉप डाल के। तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है, फ्लेम हाई कर लेंगे और इसे अच्छे गर्म तेल में हमें पूड़ियों को डालना है। हल्का सा प्रेस करेंगे, पूड़ी अच्छे से फूल के तैयार हो जाएगी। इसे धीरे से पलट लेंगे और सभी पूड़ियों को हम इसी तरीके से बना के रेडी करेंगे। निकाल लेंगे पूड़ी को, सारी पूड़ी हम इसी तरीके से बनाएंगे। धीरे से डाल लेंगे और हल्का सा प्रेस करते जाएंगे तो ये फूल के अच्छे से ऊपर आ जाएगी। अब इसे पलट लेंगे और ये पूड़ी बनके तैयार हो गई। सारे पालक की मसाला की पूरी हम इसी तरीके से बना के सभी को रेडी करते जाएंगे। सारी पूरी हमने बना के तैयार कर ली है। पालक मसाला पूरी तैयार है। इसे हम कोई भी करी वाली सब्जी के साथ या
हरी धनिया की चटनी के साथ सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।